यूपी में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य में फिर सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी बीजेपी ने जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। मथुरा, झांसी, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, बिजनौर और बलिया से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत यहां पर की गई है। 6 जिलों में देखिए जन विश्वास यात्रा, क्योंकि बीजेपी जनता के बीच में एक बार फिर से विश्वास पाने के मकसद से, विश्वास पाने के उद्देश्य से उतरी हुई है। मथुरा, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, झांसी की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। प्रचंड प्रचार, जनता के बीच में सरकार की ये तस्वीर। और मथुरा में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत की। इन यात्राओं के जरिए केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। यात्रा की शुरुआत के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। आज कोई व्यापारी और कोई हिंदू प्रदेश से पलायन नहीं करता है, आज पलायन होता है प्रदेश से पेशेवर अपराधी और माफियाओं का। भैया बहनों, ये वही धरती है, याद करिए, ब्रज की यह धरती जहां का रज रज कण कण भगवान कृष्ण की लीला से भरी पड़ी है, राधे रानी की लीला से भरी पड़ी है, हमारे लिए तीर्थ है, पवित्र है यह भूमि। लेकिन पिछली सरकारों में क्या होता था, ये यही धरती है, कोसी कला का दंगा यहां का कोई व्यक्ति भोला नहीं होगा। कोसी कला में क्या होता था, जवाहर बाग में क्या होता था, पहले जवाहर बाग की घटना होती थी, कोसी कला का दंगा होता था, आपने देखा होगा। भाइयों बहनों, आप याद करिए, पिछले 4.5 वर्ष के अंदर आज हमारी सरकार को 4.5 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं, और 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ, कोई पलायन नहीं हुआ। जिन लोगों को प्रदेश का विकास अच्छा नहीं लगता था, वे लोग अनर्गल प्रलाप करते हैं। भैया बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत की 135 करोड़ जनता ही परिवार है, लेकिन कांग्रेस, सपा, बसपा के लिए उनका अपना व्यक्तिगत परिवार ही प्रदेश या देश है। उस व्यक्तिगत परिवार से ऊपर सोच भी नहीं सकते हैं। उन लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं, जिन लोगों के पास संकुचित दृष्टि है, वे विकास के इस मॉडल को नहीं स्वीकार कर सकते, विकास के इस मॉडल को कैसे सराहना कर सकते हैं। और यही तो कारण है कि जब डबल इंजन की सरकार विकास कराती है, उन लोगों को तब भी अच्छा नहीं लगा था जब मथुरा वृंदावन नगर निगम घोषित हुआ था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूपी के बलिया में जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की और इस मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को निशाने पर लिया और पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों की जमकर तारीफ की। आज हमारी जन विश्वास यात्रा का आरंभ हो रही है, विश्वास है मोदी में, और मोदी का मतलब भी बता देता हूं। मोदी और योगी का मतलब, मोदी मतलब MODI, एम का मतलब मजबूत नेतृत्व है कि नहीं, मजबूत नेतृत्व, अरे जोर से बताओ, है कि नहीं। ओ का मतलब है ओजपूर्ण व्यक्तित्व, है कोई मोदी के मुकाबले। और डी का मतलब है दृढ़ निश्चयी, जो तय कर लेते ठान लेते वो करके दिखाते हैं, ये हम नहीं पूरी दुनिया कहती है। और आई का मतलब है ईश्वर का वरदान नरेंद्र मोदी, जो भारत का उद्धार करने आया है, ये मोदी का मतलब है। और योगी का मतलब, भाई का मतलब है योग, ऐसा योग प्रशासक उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, बोलो सही है कि नहीं, अरे जोर से बताओ सही है कि नहीं। वो से है ओजस्वी, महाराज के चेहरे पे अलग ओज झलकता है, अपराधी बिलों में घुस गए पता ही नहीं चलता है, जेलों से बाहर निकलने के लिए सोचते। जी का मतलब है गतिशील, दिन और रात काम करने वाला,
और आई का मतलब है ईमानदार। तो यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर देखिए किस तरह से सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने पूरी ताकत यहां पर झोंकी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा ने यूपी के अंबेडकर नगर में इस यात्रा की शुरुआत की और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला भी किया। अभी पंकज जी कह रहे थे, कौशल जी कह रहे थे, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये संभव है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में संभव है, बाकी और पार्टियों में कभी संभव नहीं है। ऊपर से उठाकर देखो, जम्मू कश्मीर से शुरू करो, हर पार्टी वंशवाद जातिवाद भाई भतीजावाद परिवारवाद से ग्रसित हो चुकी है। आप शुरू करो नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवारवाद की पार्टी, पीडीपी परिवारवाद की पार्टी, हरियाणा में आओ परिवारवाद की पार्टी, साउथ में जाओ परिवारवाद की पार्टी, बंगाल में जाओ परिवारवाद की पार्टी, उत्तर प्रदेश आओ तो परिवारवाद की पार्टी, मेरा बबुआ बाकी कोई नहीं और कोई नहीं, ये परिवारवाद की पार्टियां हैं और हम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ये लेकर के चलते हैं। उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रचार तेज कर दिया। लोगों तक केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने के लिए बीजेपी ने विजय संकल्प यात्रा शुरू की। बागेश्वर में भी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार में जमीन से आसमान तक सिर्फ घोटाले ही घोटाले हुए। कांग्रेस के समय तो वैक्सीन 40-40 साल तक दुनिया भर के देशों से इंपोर्ट करके लाते थे, आयात की जाती थी, फिर आप को बच्चों को लगाने का काम उस समय किया जाता था। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने दुनिया की ओर नहीं देखा, आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया और आत्मनिर्भर भारत में एक नहीं दो दो वैक्सीन बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है।